वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होगे, सब रूंगटा रूंगटा कर रहे हो ना। रूंगटा का हाईएस्ट पैकेज 48 LPA का है, सिंस एस्टैब्लिशमेंट भी ज़्यादा दिख रही है ना। मैं इसमें जो गूगल में दिखा है वो डाला हूँ, है ना। सिंस इसमें दिख रहा है जो SSITM का 2007 दिख रहा है, आगे वीडियो में देखना 1999 बताऊँगा, है ना, वो ओरिजिनल है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हाईएस्ट पैकेज 48 LPA का दिख रहा है ना। मिल्खा सिंह ने भी दौड़ के रिकॉर्ड बना दिया भाई, हर साल उसी उसी को बताते रहोगे क्या, कुछ नया अपना कुछ बनाओगे भाई। कॉलेज में तो 100 बच्चे में एक जन 48 लाख का पैकेज लाया, कॉलेज तो कूद कूद के बताएगी। 100 भी नहीं, 1000 बच्चों में, 1000 बच्चों में एक बार जो पैकेज आया उसको वो बता रहे हैं, वो तो बताएगी कि 48 लाख का पैकेज आया है। इनफैक्ट वो तो इस साल का भी हाईएस्ट पैकेज नहीं है, पिछले साल का पैकेज बता रहा है 48 LPA। साइट में जाके देखो तो पूरा पता चलेगा। बात जो भी बात देखोगे कॉलेज की, एंड तक घुस करके देखना, अंदर तक की बात पता करना, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करो वीडियो, ठीक है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है CGPT के ऑल न्यू वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने नोटिस डाल रखा था अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, और जो लोग ये दोनों इंस्टीट्यूट में प्लान नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना था मेरे को इस वीडियो के द्वारा कि देखो, आप लोग अगर श्री शंकराचार्य और रुंगटा प्लान कर रहे हो तो आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट आप लोग को बताना था। की पॉइंट ये है कि समझो आप जो जब छत्तीसगढ़ पर रहते हो, आप कोई भी जैसे मैं रायपुर में, बिलासपुर में या फिर और कहीं भिलाई में, दुर्ग में रहता हूँ, तो इस वजह से मैं श्री शंकराचार्य और इस वजह से मैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस को जानता हूँ। अगर मैं छत्तीसगढ़ से बाहर निकलता हूँ, अगर मैं कहीं नागपुर जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ, इंदौर, और वहाँ जा कर के अगर मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मैं रुंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूँ, मैं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर कोई नहीं जाता। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं BIT दुर्ग से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं अपने मामा घर, मेरा मामा घर नागपुर है, और मैं वहाँ जा कर बताता हूँ, अगर मेरे से कोई पूछता है कि कहाँ से पढ़ रहे हो भाई, तो मैं बताता हूँ BIT, तो ऐसा वो पूछता है अरे BIT बिट्स पिलानी से पढ़ रहे हो क्या आप, तो फिर मेरे को नहीं बताना पड़ता है कि नहीं मैं BIT दुर्ग में कैंपस है वहाँ से पढ़ता हूँ, एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तब उन लोग फिर गूगल वूगल सर्च करते हैं, तब उनको पता चलता है अच्छा ये नाम का भी कोई कॉलेज है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप शंकराचार्य, रुंगटा या फिर ये सब इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो, ये आपके लास्ट ऑप्शन होने चाहिए, ये मतलब कि ये आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर अपन कंपेयर करेंगे शंकराचार्य और रुंगटा को, तो अगर आप लोग थंबनेल देखोगे तो रुंगटा जो है अपना बहुत ज़्यादा पैसा अपने एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, तो कई लोग सिर्फ एडवर्टीज़मेंट देख देख के वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट उससे लाख गुना अच्छा है मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे है वो पूरा वीडियो एंड तक देखो, फिर मैं आप लोग को समझा पाऊंगा, ठीक है। मेरा नाम आशुतोष दुबे है, जो लोग पुराने हैं उनको पता है मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर हूँ, अब काउंसलर भी बन गया हूँ, आप लोग की काउंसलिंग में मदद कर रहा हूँ लगातार, इसके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, लाइक करो मेरा वीडियो, ठीक है। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, ठीक है। सबसे पहले अपन शंकराचार्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे भिलाई वाले कैंपस के। तो ये देख रहे हो आप लोग, ये अपने वहाँ का जो बिल्डिंग है वो कैंपस की फ़ोटो है ना। अब इसके बारे में और जानते हैं, तो ये है नंबर ऑफ़ कोर्सेज यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं 35। यहाँ का मैक्सिमम पैकेज जो गया है वो ज़्यादा नहीं है, मात्र 10.3 लैक्स पर एनम का है। लोकेशन इसकी भिलाई है, अप्रूव्ड किससे द्वारा, AICTE के द्वारा अप्रूव्ड है। कैसे टाइप का कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज है ये। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था इसका मेन कैंपस। बाकी आप अगर इंटरनेट में सर्च करोगे तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2006 या 2008 के आसपास बताती है। अब क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है तो इसकी फ़ीस जो रहती है वो थोड़ी हाई रहती है, लेकिन हाँ ये अपने छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजेस के आसपास ही घूमती है। इसकी एलिजिबिलिटी भी वही है कि आप 12th पढ़े होने चाहिए, JEE मेंस या CGPT आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और फ़ीस जो रहती है इसकी वही 40,000 रहती है। लेकिन इन दोनों ही इंस्टीट्यूट जिनकी मैं आपको फ़ीस बताने वाला हूँ, इन दोनों की इंस्टीट्यूट जो है वो फ़ीस कम हो जाती है जब आप CGPT के द्वारा एडमिशन लोगे। अगर आप यहाँ पर ओपन के द्वारा जाओगे, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहोगे बिना CGPT और बिना JEE मेंस के, तो आपको फ़ीस जो है 40,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ CGPT के द्वारा एंट्री लोगे तो आपकी फ़ीस यहाँ पर 35,000 हो जाएगी पर सेमेस्टर की। ये जो फ़ीस है ये
फर्स्ट एक सेमेस्टर की बता रही है, तो वो 35,000 रुपये हो जाएगी, जो कि 10,000 रुपये आप अपना आसपास बचा सकते हो। अब एवरेज पैकेज की यहाँ के बात करा जाए तो यहाँ का एवरेज पैकेज तो अभी अगली स्लाइड में रखा हूँ मैं, ये इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो पैकेज है वो रेंज रहता है डेढ़ LPA से 5 LPA, है ना, यही इनका रेंज है। इससे ज़्यादा का यहाँ पैकेज इन लोग ऑफ़र ही नहीं कर पाता, इनके पास जो कंपनीज आती है वो ऑफ़र ही नहीं करती कॉलेज के स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हो, SSITM में पढ़ रहे हो, इस वजह से, है ना, इस वजह से यहाँ पर का जो पैकेज है वो फाइन। अब यही कहीं आप NIT में पढ़ते तो आपका पैकेज शुरुआत ही 5 LPA से होता। वही मैं बताना चाह रहा था शुरू में वीडियो के कि आप ये जो आपके लास्ट चांस होना चाहिए इस कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का। अब यहाँ का एवरेज पैकेज का बात किया जाए तो 4.5 लाख के आसपास का यहाँ का एवरेज पैकेज पड़ता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो एवरेज पैकेज ऑफ इज़ अराउंड INR 4.5 LPA। यूजुअली स्टूडेंट इज CSIT ब्रांचेज आर प्रोवाइडेड विद द ट्रेनी ऑफ SDE प्रोफाइल्स विद द गेटिंग, मतलब जो CSIT वाले उनके लिए 4.5 लाख है ना। अगर यहाँ से कोई सिविल करना चाहेगा, यहाँ से कोई मैकेनिकल करके बोलेगा कि मेरे को यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाए बढ़िया 5-6 LPA का, तो यहाँ पर से पैकेज लेने में थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, ये वाला कॉलेज BIT दुर्ग और रूंगटा तीनों एक ही एरिया में आते हैं, तो इनका जब वो होता है प्लेसमेंट राउंड चालू होता है तो इन सब कॉलेजेस के बच्चे एक ही काउंसिल में बैठ करके एक ही साथ एक ही कंपनी को जाके अपना इंटरव्यू देते हैं, है ना। यहाँ की अगर हॉस्टल फ़ीस की बात किया जाए तो हॉस्टल फ़ीस यहाँ की 60,000 रुपये है और इनका हॉस्टल कैपेसिटी 2,000 बच्चों का रहने वाला है, ठीक है। 2,000 बच्चों का इनका हॉस्टल कैपेसिटी है और यहाँ की फ़ीस कितनी है, 60,000, थोड़ी कम है, है ना। अगर हॉस्टल की फ़ोटो दिखाऊं तो ये है, थोड़ा मैसी टाइप का दिख रहा होगा, गूगल में जो अवेलेबल था वही फ़ोटो दिखा पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ओरिजिनल फ़ोटो और तो मेरे पास कोई साधन नहीं है आपको देने का। यही है, ठीक है, दो बेड दे रहा है, स्टडी टेबल है, नॉर्मल सा, मतलब डिसेंट है, एकदम डिसेंट टाइप का है। ये बच्चा मेंटेन नहीं कर पाया इस वजह से थोड़ा वैसी टाइप का फ़ोटो है, लेकिन हाँ यही है, मेंटेन तो नहीं कर पाया बच्चा, तो हाँ यही अपना कॉलेज का हॉस्टल रहने वाला है। फेस्ट वगैरह की बात करें तो फेस्ट वगैरह में उतना अच्छा तो नहीं है अपना ITM, है ना, लेकिन ठीक है, BIT से तो अच्छा है फेस्ट वगैरह के मामले में देखा जाए तो। वो सब में अगर कंपेयर करोगे तो BIT थोड़ा पीछे है, लेकिन पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो BIT और GEC सबसे आगे स्टैंड करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। ये सब के बारे में एंड में पूरा समराइज़ करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अब रूंगटा के बारे में बात करते हैं अपन, तो रूंगटा का इस्टेब्लिशमेंट भी सेम ईयर का है, बताते हैं 1999 का। ये भी एक पुराना कॉलेज है अपने छत्तीसगढ़ का और ये भी एक वेल इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। वही फिर मैं बताया कि ये आपके लास्ट वो रहना चाहिए प्रेफरेंस कि आपको रूंगटा जाना है कि आपको SSITM जाना है, ठीक है। ये कॉलेज भी एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है, अभी अपने उसमें एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जैसे कि आप जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते होगे, आप जैसे यूट्यूब यूज़ करते होगे, तो हर दूसरी ऐड इसी की रहती है, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है छत्तीसगढ़ के पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अभी जैसे कि आप मेरे थंबनेल में ही देखे होगे 48 LPA इसका वो बता रहा है, क्या आपको इसका हाईएस्ट पैकेज बता रहा है। अब जैसे यहाँ की फ़ीस की बात किया जाए तो जैसे कि आप अगर नॉर्मली एडमिशन लोगे तो ये अपना फ़ीस 40,000 रुपये बताने वाले हैं, आपको 40,000 रुपये फ़ीस बताएंगे अपनी और उसके बाद फिर दो सेमेस्टर का 80,000 रुपये खींच लेंगे आपसे। लेकिन आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि अगर आप CGPT से यहाँ पर से एंट्रेंस लेते हो तो आपकी फ़ीस डायरेक्टली कम हो जाएगी, 30,000 रुपये पर सेमेस्टर हो जाएगी, और 30 और 30 60,000, यानी कि आप 20,000 रुपये अपने पूरे साल के जो हैं वो सेव करने वाले हो अगर आप CGPT। इसलिए कई लोग मेरे से पूछ रहे थे भैया कि अभी एडमिशन ले लूँ क्या, नहीं अभी रुको, CGPT का रिज़ल्ट आ जाने दो, उसके बाद यहाँ एडमिशन लेना। यहाँ पर भी हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर 3-सीटर 2-सीटर 4-सीटर सारे हिसाब से हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 4-सीटर का 75,000 रुपये का रहता है, है ना, 3-सीटर का 85,000 और 2-सीटर का 1 लाख रहता है ना, ये पर ईयर का है। उसके बाद फिर ये जो मैं बता रहा हूँ ये R1 कैंपस का है, अपने भिलाई वाले कैंपस का। अगर इसका R2 कैंपस की बात किया जाए जो रायपुर में है, क्योंकि जो R1 है वो मेन कैंपस है और मैं हमेशा मेन कैंपस को ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए मेन कैंपस का मैंने आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी बताया। हॉस्टल इसका जो है वो वही बताया कि 2-सीटर का 1 लाख के आसपास जाता है, और जैसे कि आप फ़ोटो देख सकते हो बहुत ही प्यारा फ़ोटो दिखा रहा है इसमें, है ना, जैसे कि ये तो ऐसा लग रहा है कि 3-स्टार या 4-स्टार होटल जैसा कोई कमरा लग रहा है ना, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। 2,000 बच्चों का यहाँ पर हॉस्टल कैपेसिटी है, इनके पास मेस वेस की सुविधा भी है, हाँ आपको लॉन्ड्री भी मिल जाएगा, जिम वगैरह भी है, रूंगटा में शंकराचार्य में भी जिम मिल जाता है आपको, है ना,
और आपको बाकी सब चीज़ें भी मिल जाती, खाना वाना भी बहुत बढ़िया है यहाँ का, अच्छा उतना ख़राब नहीं है जैसे कि कई हॉस्टल्स में, कई जगह के मेस जो रहते हैं खाना का फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन यहाँ का जो मेस का सुविधा है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस है, पढ़ाई में नहीं दे सकते अपने, वो सब प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये सब देते हैं ठीक है। कंपनीज यहाँ पर कौन कौन सी आती है तो ये सब देख सकते हो। यहाँ का जो मास रिक्रूटर है वो TCS रहता है, इन्फोसिस रहता है, विप्रो, IBM, ये सब क्या है, मास रिक्रूटर्स हैं। 5 लाख 6 लाख में बहुत सारे बच्चे लेकर के जाते हैं, लेकिन जो इनका हाईएस्ट पैकेज देने वाला है वो है DBS बैंक है। वो DBS बैंक जो है इनको हाईएस्ट पैकेज हर साल ही अपना देता है। अगर आप इनसे बात करोगे, कॉल कॉन्टैक्ट करोगे, है ना, अगर आप गूगल से इनका नंबर निकाल करके रूंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ़ोन करोगे तो इनको वो आपको बताएंगे ये DBS बैंक के बारे में, है ना। DBS बैंक का उनके पास हाईएस्ट पैकेज देता है वही, है ना, हर साल उन्हीं के पास जाता है उनके पास। और जैसे कि आप लोग को लगेगा कि ये थोड़ा फ्रॉड टाइप का है ना, तो मुझे भी लग रहा था। तो हाँ, तो इन लोग बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास पूरा इसका पेपर वगैरह है, अगर आप कैंपस विजिट करोगे तो आपको दिखाएंगे। अब प्लेस जिसमें दिखा रहे, जैसे हाईएस्ट पैकेज 48 LPA का दिखा रहा है, और भी अगर इनकी साइट में जाओगे तो 32 LPA और 28 LPA का और 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है इस साल। इस साल 30 कंपनीज़ विजिट कर लिए, और टोटल इनके पास कंपनी विजिट जो है वो 300 कंपनीज़ है। 300 कंपनी यहाँ पर प्लेस्ड हो चुकी है, मतलब आ चुकी है, है ना, और 359 यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। 515 का यहाँ पर से पैकेज ब्रॉस और 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई कॉलेज 100% प्लेसमेंट की गारंटी दे रहा है तो ये प्राइवेट कॉलेज है, और उसके बावजूद ये 100% प्लेसमेंट का गारंटी देता है। होता यह है कि ये आपको गारंटी इस वजह से देते हैं क्यों, आप पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद फिर ये बार बार इंटरव्यू कराते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं अगर एक बार इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए तो ये कॉलेजेस जो रहते हैं बार बार आपको इंटरव्यू में बैठने की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप बार बार उसके इंटरव्यू में बैठो उस कंपनी के सामने, एक आग बार तो आप किसी ना किसी कंपनी में अपनी प्लेसमेंट निकाल लोगे, भले ही कम LPA का लगे, भले ही कम पैकेज का लगे, लेकिन हाँ आपको प्लेसमेंट दिलाने का वादा करते हैं ये कॉलेजेस ठीक है। अब बात करता हूँ मैं दोनों में से कौन सा अच्छा है। चलो, कोई कई लोग इसका वो जो एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज है, वो सब रूंगटा के देख करके इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए होंगे, इतने ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गए होंगे, अरे नहीं यही सही है, SSITM ख़राब है। तो आप ये बात को समझो कि SSITM अपना एडवर्टीजमेंट में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करता, और ये अपने खर्चा बहुत ज़्यादा करता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ से इंजीनियरिंग करना है, सबको पता है छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग का अच्छा खासा स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, और अगर किसी बंदे को, और कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है, IT सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है अपने छत्तीसगढ़ का स्कोप। अपना छत्तीसगढ़ ना माइनिंग, मेटलर्जी, और भी जो ग्राउंड रिलेटेड स्टील प्लांट्स, पेट्रोलियम, इन सब में अपना फीचर बहुत ज़्यादा, अपना उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता है इक्विटी छत्तीसगढ़ का। IT सेक्टर में महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स हैं, दिल्ली हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा का इक्विटी रखते हैं, अपना मेटलर्जी और माइनिंग में रखता है। इस वजह से ना एक बहुत बहुत एक वास्ट डिफरेंट देखने को मिलता है अपने को छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस का बाकी कॉलेजेस के साथ, है ना। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ में ही इंजीनियरिंग करना है तो आप ये सब ब्रांचेस कर सकते हो। तीसरी बात ये है कि ना, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है छत्तीसगढ़ में रह करके, तो सबसे पहला जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहता है वो होता है NIT रायपुर, तो वो तो आपको मिलेगा नहीं ठीक है। दूसरा बेस्ट ऑप्शन रहता है IIT भिलाई का, भले ही वो IIT भिलाई आउट ऑफ कोर्स है, अभी थोड़ा अनडेवलप्ड है, थोड़ा अभी स्टार्टिंग है, बेबी IIT है, अभी बना है, लेकिन हाँ दूसरा ऑप्शन वही है। और तीसरे में फिर आपका आता है GEC रायपुर और BIIT दुर्ग, मतलब ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और उसके बाद फिर ना छोटे मोटे कॉलेजेस जैसे OP जिंदल, KK मोदी, कलिंग, है ना, ये रूंगटा हो गया, शंकराचार्य, ये सब फिर बाद में आते हैं, है ना। यहाँ से करना मतलब बहुत एकदम जान को हथेली में रख करके खेलना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर से जा करके सिर्फ आप ज्ञान ले सकते हो, प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर से मत सोचो, यहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलना बहुत ही कठिन बात हो जाती है ठीक है। तो अगर मैं दोनों के कंपेरेंस में डालूँ तो हाँ रूंगटा मैं बोलूँगा कि थोड़ा पीछे रह जाता है SSITM के रिस्पेक्ट में, पढ़ाई के रिस्पेक्ट में, है ना, वहाँ अच्छा माहौल मिलेगा। रूंगटा में आपको उतना अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, रूंगटा हाँ एक डिसेंट टाइप का है, डिसेंट है, हाँ बस वही बोलना था मेरे को वीडियो में।
तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो मेरा वीडियो, क्योंकि आपको फेयर फेयर मैं पूरा बताया हूँ फेयर, है ना, कुछ भी आपको पार्शियलिटी करके कुछ भी गलत बात नहीं बताया हूँ, जो मेरे को सही लगा वो मैं आपको बताने का प्रयास किया। अगर कोई इस इंस्टीट्यूट का देख रहा है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करो जो भी आपको गलत लगा इस वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब करो चैनल।